हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल की वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप अपने ब्रेस्ट एरिया पे मसाज करोगे तो उसके कितने फ़ायदे हैं, ब्रेस्ट मसाज कैसे करनी है, किस चीज़ से करनी है, क्या टेक्निक है, वो सभी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और डेमो दे के भी आपको समझाऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है, वीडियो को आगे शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो देखने को मिले और वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पहली बार हो यहाँ पे, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेस्ट मसाज करने का सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपके ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं और आप चाहते हो कि आपका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो तो आप ब्रेस्ट मसाज ज़रूर करें। ब्रेस्ट मसाज करने का दूसरा फ़ायदा, अगर आपके ब्रेस्ट सैगिंग हो रही है, मतलब कि आपके ब्रेस्ट थोड़े लटक से गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि एजिंग हो रही है बहुत जल्दी आपके साथ। हमारी सारी बॉडी में जब एज बढ़ती जाती है तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारे फेस की स्किन आप ले लो, जैसे कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना और फेस की स्किन भी थोड़ी सी लटक जाती है, और उसकी केयर करने के लिए हम क्या करते हैं, फेस पर फेशियल कराते हैं, मसाज करते हैं। वैसे ही आप अपने ब्रेस्ट को भी सैगिंग से बचाने के लिए, या फिर ऑलरेडी सैगिंग शुरू हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए आप ब्रेस्ट मसाज ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट चीज़ ये कि ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा बहुत बढ़ गया है आज की डेट में, और बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं। मैंने खुद इसके ऊपर वीडियो बनाई थी अवेयरनेस को लेके, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो ब्रेस्ट मसाज करने से क्या होगा ना कि आप अपने ब्रेस्ट को चेक कर पाओगे और रेगुलरली चेक कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम बाद चेक कर रहे हो और तब तक आपकी सिचुएशन जो है वो बढ़ गई। इनिशियल स्टेज पे ही आपका अगर कोई लंप है, कोई दर्द है आपके ब्रेस्ट में, तो वो आप अगर रेगुलरली मसाज कर रहे होगे तो आप जल्दी से पकड़ लोगे। तो ये आपकी हेल्प करेगा, अगर ब्रेस्ट मसाज वाली कोई आपको लंप है या पेन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप टाइम से उसे पहले ही पकड़ पाओगे। नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा है ब्रेस्ट मसाज करने का, वो ये कि अगर आपके ब्रेस्ट में कहीं पेन है या सोरनेस है, कभी कभी होता है ना कि पीरियड्स के पहले हमारे ब्रेस्ट में अजीब सी थोड़ी टेंडरनेस होने लग जाती है और हल्का फुल्का सा पेन सा फील होने लग जाता है। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी फीमेल्स को ये फील होता है, और नॉर्मली भी जब बॉडी में थकान बहुत ज़्यादा होती है तो भी हम ये फील करते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट मसाज करोगे तो जो मसल पेन आपको हो रहा है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है ब्रेस्ट मसाज का, वो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। जो मदर्स अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चा पूरी तरह से दूध फिनिश नहीं करता है और हमारे ब्रेस्ट जो है वो काफ़ी हैवी फील करते हैं, या फिर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती ब्रेस्ट मिल्क की, तो ऐसे में आप मसाज कर सकते हो, आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा देते हैं बच्चे का, उसके बाद भी थोड़ा बहुत टाइम तक मिल्क जो है वो बनता है ब्रेस्ट में और वो धीरे धीरे करके सूखता है। इस स्टेज पे ब्रेस्ट मसाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अपने ब्रेस्ट की मसाज करोगे ना तो आपकी कोई गांठें नहीं पड़ेंगी, उससे आपको पेन नहीं होगा। आपको उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेस्ट की रेगुलरली मसाज करो, जब तक कि आपका पेन और जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो ये थे कुछ रीज़न्स जिसमें आपको ब्रेस्ट मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मैम कोई क्रीम ऐसी बताइए जो कि हम ब्रेस्ट मसाज में यूज़ कर सकें, हमें अपना ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ करना है तो कौन सी क्रीम लगाएं। वेल, आज मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ नाम्या का कर्वलीशियस बॉडी प्लम्पिंग क्रीम, और जैसे कि इसका नाम है, ये आपके ब्रेस्ट को प्लम्प बनाएगा, उन्हें एक अच्छा कर्व देगा, जिनके ब्रेस्ट छोटे हैं उनको बड़े करने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को मॉइस्चर देगा, अच्छा टेक्स्चर देगा, स्मूथ बनाएगा स्किन को और स्किन में टाइटनिंग भी लाएगा। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स को अगर सैगिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, एजिंग आपके ब्रेस्ट पे भी दिखने लगी है, ब्रेस्ट ढीले हो रहे हैं, लटक रहे हैं, वो लोग भी इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। एक और मेरे पास रिसेंटली क्वेरी आई थी कि ब्रेस्ट में ईचिंग होती है और बहुत ड्राइनेस रहती है, तो भी आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। एक
मतलब सॉल्यूशन है आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स का, तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे दिन में एक बार या दो बार भी लगा सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जब आप नहाकर आते हो उसके बाद जैसे हम अपने फेस पे क्रीम लगाते हैं या अपनी बॉडी पे हम जैसे बॉडी लोशन लगाते हैं ना, उसी टाइम पे आप अपने ब्रेस्ट पे इसे लगा लीजिए, थोड़ी सी मसाज कर लीजिए और उसके बाद आप बस इसे छोड़ दीजिए। इसको कोई धोने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी मसाज करके इस क्रीम को एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए अपनी बॉडी के अंदर। इसके बाद रात को सोने से पहले आप इसे लगा सकते हैं। तो इतना इजी है इसे लगाना। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो ऑयल वगैरह होते हैं या दूसरी क्रीम्स होती हैं वो बहुत चिपचिपी होती हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और चिपचिपा नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये कि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, जस्ट चेक द इंग्रेडिएंट, बिल्कुल नेचुरल हैं और हर एक इंग्रेडिएंट ऐसा है कि जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखिए एंड डेफिनेटली आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसको परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ जाके आप इसे अपने लिए चेक कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि मसाज कैसे करनी है। पहली बात तो अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है, ऊपर की तरफ करनी है और सर्कुलर मोशन में करनी है। वैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी मसाज टेक्निक्स आपको दिखाई हुई हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इट्स ओके, आपको वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे भी आपको क्लिप लगा के दिखा दूंगी वो वाली कि कैसे मसाज करनी है। फर्स्ट मसाज जो आपको करनी है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो मसाज हैं वो सही तरीके से ही कर रहे हो, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्ट नहीं होगा, उल्टा इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही जो आपका मोशन है वो हो। आप यहाँ अपने जो अंडर आर्म्स है उसके नीचे से भी इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और ये आपको दोनों जगह पे करनी है। करीब करीब आपको 5-7 मिनट ये दोनों जगह पे करनी है। सेकंड मसाज पे आते हैं और उसमें आपको अगेन ऑयल लेना है और अब आपको यहाँ नीचे और ऊपर इस मोशन में आपको ये मसाज करनी है आगे पीछे। नेक्स्ट मसाज तीसरी है वो यहाँ आपको साइड्स में करनी है, इसमें आपको इस तरह से करनी है, साइड्स में आपको ऊपर नीचे जाना है और यहाँ ऊपर नीचे आपको लेफ्ट एंड राइट जाना है। ये भी सेम आप दोनों जगह पे आप 5-7 मिनट कर सकते हो। नेक्स्ट मसाज जो है चौथी मसाज, उसमें आपको यहाँ अपने साइड से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से लेकर आना है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आप ग्रैब जो है वो पूरी तरीके से करें और अपवर्ड डायरेक्शन में ही इसका मूवमेंट करें, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको इसमें मूव करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, ताकि मेरी वीडियोस, मेरा चैनल और भी लोगों के पास पहुंच सके और वो हमारे फैमिली के एक पार्ट बन सके। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।